हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स माइसर प्रतीक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है तो फिजिक्स क्लास इलेवंथ में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उसका भी एक तरफा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी पी एंड सी वी ठीक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की यहाँ पर बातचीत होने वाली है ठीक है तो चलिए बिना समय लगाए जल्दी स्टार्ट करते हैं और लेकर के आते हैं आपको हीट कैपेसिटी के ऊपर ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी एंड सीवी के अंदर आपको जो भी थ्योरी यहाँ पे नजर आ रही है वो बहुत ज़्यादा जरूरी थ्योरी है इसको आप मिस नहीं कर सकते ठीक है अगर आप यहाँ पे थ्योरिटिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो फॉर्मूले आपको नहीं चमकेंगे इसलिए स्लाइड पर लिखा हुआ हर एक कॉन्टेंट यहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है क्या लिखा हुआ है थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी थ्रू वन डिग्री सेंटीग्रेड और वन कैलविन अब यहाँ पर एक पॉइंट आया था जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास दो तरह के एंटिटीज़ हैं ठीक है मेरे पास दो तरह के आइडेंटिकल एंटीटीज दिखने में हैं, अंदर है अंदर इनका मटेरियल डिफरेंट है अंदर इनका मटेरियल जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है तो अब यहां पे क्या होता है कि अगर मैंने मान लीजिए कि 100 जूल की हीट इसको सप्लाई कर दी और अगर मैंने 100 जूल की हीट इसको भी सप्लाई कर दी तो दोनों में सेम अमाउंट से राइज इन टेम्परेचर नहीं आता क्या बोला मैंने दोनों में सेम अमाउंट से राइज इन टेम्परेचर नहीं आता है बिकॉज किस में कितना राइज इन टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करता है दोनों के स्पेसिफिक नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर इसका मटेरियल अलग इसका नेचर अलग आया समझ के नहीं आया तो अगर दो मासेस सेम है तो आप सिर्फ मासेस को देख करके ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट मैंने ट्रांसफर कर दिया मान ले इसको मैंने ट्रांसफर 100 जूल और मैंने इसको भी ट्रांसफर कर दिया जूल ठीक है तो अगर इसमें मान लीजिए अगर दो डिग्री का राइज हुआ तो जरूरी नहीं है कि इसमें भी दो डिग्री का ही राइज हो जरूरी नहीं है कि इसमें भी दो डिग्री का ही टेम्परेचर राइज हो दोनों में टेम्परेचर राइज जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट अमाउंट से हो सकता है तो फिर भैया सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से सेम अमाउंट ऑफ राइज इन टेम्परेचर दोनों में नहीं देखने को मिलेगा इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है ये वाली बात चमक गई अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा देखते हुए चलना यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी थ्रू वन डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है थर्मल कैपेसिटी जो है वो उस अमाउंट की हीट है थर्मल कैपेसिटी बेसिकली क्या है एक अमाउंट ऑफ हीट है विच इज रिक्वायर्ड बेसिकली टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू वन डिग्री सेंटीग्रेड भाई इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान ना यही सब चीज़ें जो है ना ये जो ये जो कंटेंट है जो टर्म्स है कि कितना हीट चाहिए एक डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए जो कि रिक्वायर्ड होगा एक ग्राम मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर मास को इंक्रीज करने के लिए बाई अ टेम्परेचर ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू वन डिग्री इस तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं ठीक है थीके? ओके तो थर्मल so, कैपेसिटी एकदम डन है दिमाग के अंदर कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड व्हिच इज बेसिकली टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी एंटायर बॉडी थ्रू वन डिग्री सेंटीग्रेड अब केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल दोनों सेम ही होते हैं तो यहां पे अगर एक डिग्री का राइज आ रहा है सेंटीग्रेड स्केल में तो एक कैलविन का राइज आएगा ऑन द केविन स्केल इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है चलो वी नो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास एम दो टर्म्स आ चुके हैं डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर डेल्टा क्यू टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मास एम ठीक है ऑफ अ बॉडी थ्रू टेम्परेचर रेंज डेल्टा टी मतलब कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मास एम बाय अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डेल्टा टी तो उसके लिए जो जो डेल्टा क्यू था ना वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था डेल्टा क्यू वॉज बेसिकली प्रपोर्शनल टू एम अगर ज्यादा मास होगा तो फिर ज्यादा ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे ठीक है दूसरा अगर आप चाहते हो कि ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर में करवा पाऊं तो उसके लिए भी मुझको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ठीक है डेल्टा क्यू इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एम ऑल्सो डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी ऑल्सो जैसे हमने इन दोनों को क्ब क्लब करा तो हमको क्लब करने के बाद ये बात पल्ले पड़ी कि अच्छा बेटा डेल्टा क्यू जो है ना दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एम टाइम्स डेल्टा टी और जैसे हम यहां पर इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट विच इज बेसिकली एस आ गया होगा समझ में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम टाइम्स डेल्टा टी तो बचपन से ही था जैसे आपने इक्वल टू लगाया तो यहां पे आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट विच इज बेसिकली एस ओनली तो यहां पे एस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज़ द बॉडी मेरे ख्याल से ये वाली पूरी कहानी जो है, समझ में आ गई होगी बहुत सारी चीजें मतलब ऐसा हो जाएगा कि मैं बोल लो है कि यार जो चेंज इन टेम्परेचर इज यूनिटी ठीक है तो आप डेल्टा टी की वैल्यू वन तो पुट कर दोगे लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में पहले फॉर्मूला सेट होना चाहिए ना तो फॉर्मूला कौन सा सेट होना चाहिए यह वाला फॉर्मुला ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके दिमाग में बेहतरीन तरह से सेट होना चाहिए कि हाँ भैया डेल्टा क्यू इज टू क्या होता है एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी होता है अब उसके बाद यहाँ पे जरा गौर करना शुरू करो वेन डेल्टा टी इक्वल टू जीरो वन वेन डेल्टा टी इक्वल टू वन अगर चेंज इन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर जो है अगर वो यूनिटी है तो फिर डेल्टा क्यू जो है ना उसको अपन बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी ये डेल्टा क्यू थर्मल कैपेसिटी कब कहलाएगा जब डेल्टा टी इक्वल टू वन हो जाएगा अब जो थर्मल कैपेसिटी होगा ये देखो थर्मल कैपेसिटी को ना फिर कैपिटल एस से भी करा गया है रिप्रेजेंट इस बात को भी ध्यान रखना तो फिर डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो चुका है वन हो चुका है अगर अगर ऐसा होता है कि डेल्टा टी इक्वल टू वन है मतलब ये नहीं है कि डेल्टा टी इक्वल टू वन होगा तभी मैं उसको बोलूंगा थर्मल कैपेसिटी डेल्टा क्यू वैसे भी इट इज कॉल्ड एज या तो राइज इन हीट या तो चेंज इन हीट और थर्मल कैपेसिटी लेकिन अगर डेल्टा टी की वैल्यू वन के बराबर

डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस एंड दिसमोर्सिटी कांस्टेंट के तौर पे आया था और जो कैपिटल एस होता है ना उसको अपन बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है तो एक काम करें जरा इसको एक बार यहां पे देख लें अपन देखो मैंने ये बताया था अगर ज्यादा मास होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तो डेल्टा क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एम हो गया उसके बाद क्या अगर ज़्यादा हीट सप्लाई करोगे तो चेंज इन टेम्परेचर भी ज़्यादा आएगा ये मेरे पास हो गई दूसरी वाली इक्वेशन इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है अब जैसे मैं इन दोनों को क्लब कर दूंगा बेटा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम टाइम्स डेल्टा टी था इसमें तो कोई दो राय नहीं है अब इसका जो प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आएगा वो आ जाएगा एस एस को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट क्या आ गया s इस वाले छोटे इसको छोटा s बोलेंगे अपन ये छोटा वाला है ठीक है इसको बोलेंगे अपन स्पेसिफिक हीट ठीक है s is called as the specific heat which is basically proportionality constant which is basically proportionality constant बहुत बार ऐसा होगा कि मैं सिर्फ s निकालने के पीछे पढ़ा रहूंगा ठीक है जब मैं s निकालना चाहूंगा तो अपने पास ये डेल्टा q अपॉन एम टाइम्स डेल्टा टी और भाई एक तो मतलब शौक है एक तरह से कि आप ना कभी भी ऐसा बोल देते हो कि यूनिट मास पर करें तो क्या होगा मतलब इट्स नॉट लाइक कि लॉजिकल नहीं है लेकिन अगर आप इस चीज़ को बहुत ही स्पेसिफिकली निकालना चाहते हो तो सबसे पहले स्पेसिफिक करने के लिए आप मास को बोल दोगे वन ठीक है कि भैया अगर हमने मास को वन कर दिया तो क्या चेंजेस आएंगे तो बस भाई एम को वन डाल करके देख लेना ठीक है चलो एक तो ये वाला फंडा हो गया क्लियर ठीक है दिमाग को एकदम सेट रखो बेटा

तो डेल्टा क्यू जो हमने निकाला वो बेसिकली एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी था करेक्ट जिसमें छोटा वाला ऐसा स्पेसिफिक हीट के स्पेसिफिक हीट अब जरा ध्यान देते हुए चलेगा थर्मल कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी डेल्टा क्यू थर्मल कैपेसिटी डेल्टा क्यू अब मुझे ये चीज निकालनी थी अब इसको निकालने के लिए हमने क्या करा एक स्पेसिफिक कंडीशन मैंने जोड़ दी कि अगर ऐसा होता है कि चेंज तो यहां पे पे क्या वाला है? गौर करें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम रहेगा एज इट इज एस रहेगा एज इट इज ये छोटा वाला ऐसे ठीक है ये छोटा वाला ऐसे और यहां पे डेल्टा टी था तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन एम स्पेसिफिक हीट और ये डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो चुकी तो है समझ गए तो आप कैपिटल एस जरा गौर करना अच्छे से डेल्टा क्यू आ चुका है एम इंटू स्मॉल अब मैंने क्या बोला कि थर्मल कैपेसिटी डेल्टा क्यू को आप कैपिटल एस भी बोल सकते हो तो फिर कैपिटल एस इक्वल टू तो क्या हो जाएगा एम इंटू स्मॉल ठीक है थर्मल कैपेसिटी ये वाला जो एस है दिस बेसिकली स्टैंड फॉर ये वाला जो एस है दिस बेसिकली स्टैंड फॉर थर्मल कैपेसिटी दिस बेसिकली स्टैंड फॉर थर्मल कैपेसिटी और ये वाला जो छोटा वाला एस है दिस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट दिस बेसिकली स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट मेरे ख्याल से क्लियर होगा पूरा फंडा ठीक है पूरा क्लियर है तो एक काम करिए आप जरा पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी आप पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजिए थ्री टू वन रेडी गो एंड डन हो गया हो गया हो गया चलो इसका स्क्रीन शॉट तो हो चुका अब जरा बेटा आ जाओ इसके स्क्रीन शॉट पर जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी ना जरा इसका स्क्रीन शॉट लीजिए आप थ्री टू वन रेडी गो एंड डन चलिए बहुत बढ़िया यह वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया तो यहां है अब जरा आगे बढ़ते हैं बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी ठीक है यह चीज आपने यहीं पे देख ली थी कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी ये लिखा हुआ है थर्मल कैपेसिटी कैपिटल एस ऑफ़ द बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी एट यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर है ना तो ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना इसी को बहुत ही प्यारे शब्दों में आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया गया है हैन्स थर्मल कैपेसिटी एस ऑफ अ बॉडी कैपिटल एस कैपिटल एस भूल मत जाना कैपिटल एस इज थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑबियसली मास तो उसमें आ ही रहा था एंड स्पेसिफिक हीट जो कि छोटा वाला एस था ऑफ द बॉडी इट इज मेजर्ड इन जूल पर कैलविन और कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो या तो जूल्स पर कैलविन में कर लीजिए या तो फिर कैलोरीज़ पर डिग्री सेंटीग्रेड में कर लीजिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. पक्का, शौ है. पक्का चलो ठीक है अब जरा आगे बढ़ते द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी और थर्मल capacity ऑफ अ बॉडी shall डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स mass. ठीक है ये जो वैल्यू होती है ना हीट capacity की ये जो वैल्यू होती है हीट कैपेसिटी की ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी ठीक है नेचर ऑफ द बॉडी और उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है ये बस बेसिक एक फैक्ट था तो मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो थ्री टू वन रेडी गो एंड डन हो गया चलो क्लियरिंग दिस अप जरा आगे बढ़े कॉन्सेप्ट ऑफ सी पी एंड सी वी के अंदर इफ डेल्टा क्यू इज अमॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास एम ऑफ अ गैस थ्रू अ स्मॉल रेंज डेल्टा टी थ्रू अ स्मॉल रेंज डेल्टा टी देन स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट सी ऑफ द गैस इज गिवन बाय ठीक है अब जरा ध्यान देना डेल्टा क्यू क्या होता है वैसे भी इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑफ हीट बट इट इज रिक्वायर्ड टू रेज द मास एम जिस आइटम जिस सब्सटेंस का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका मास कितना है एम के बराबर थ्रू अ स्मॉल रेंज डेल्टा टी तो टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा डेल्टा टी से बढ़ेगा देन द स्पेसिफिक हीट अब उस स्पेसिफिक हीट को अपन बेसिकली एस या सी तो यहां पे सी है

वो बेहतरीन तरह से बसा के रखें बिकॉज इसी पर पूरा कार्यक्रम आगे चलने वाला है ये वाला फंडा क्लियर अगर हो गया है ये वाला फॉर्मूला अगर क्लियर हो गया तो बाकी सारी कहानी जो है ना वो आपको सुपर क्लियर तरह से समझ में आ जाएगी तो पहले ज़रा इसका स्क्रीन ले लो बेटा जल्दी से थ्री टू वन रेडी गो एंड डन हो चुका है चलो बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत ही थी उम्दा, ठीक है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता ये, है है ठीक है डेल्टा क्यू इक्वल टू वैसे भी एम एस डेल्टा टी होता है छोटा वाला एस मतलब स्पेसिफिक हीट उसको भी अपन लोग सी बोल रहे हैं तो यहाँ पे सी जब निकालेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन नीचे क्या हो जाएगा एम टाइम्स डेल्टा टी ठीक है अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं तो जरा गौर करिए पहला केस लेट द गैस गैस बी सडनली ठीक है गैस को आपने कंप्रेस कर दिया है सडनली भाई अगर मैं गैस को कंप्रेस करूंगा तो मुझे बस एक चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर में जरा बताइएगा देखो वी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम अगर मैं डीवी की बात करूं तो डीवी का मतलब क्या हो जाएगा स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम अगर मैं dv की बात करूं तो dv का मतलब क्या हो जाएगा स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ठीक है अब जो सवाल है ना मेरा वो आपसे ये है कि जब मैं कंप्रेस करूंगा तो फिर डीवी प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा और जब मैं एक्सपैंड करूंगा गैस को तो डीवी प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा क्या पूछा मैंने कंप्रेशन के दौरान की वैल्यू प्लस आएगी या माइनस आएगी वो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प पिन करके लिख देना और मैं पूछता हूं कि अब एक्सपेंशन में जब गैसेस में एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन के दौरान डीवी की वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस आएगी वो जरा मुझे बता दो ठीक है जल्दी 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 करके मुझे बता दो कर दिया चलो ठीक है जरा वापस आ जाओ तो कंप्रेशन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है तो डीवी कैसा हो जाएगा नेगेटिव और एक्सपेंशन में वॉल्यूम जो है 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 वो इंक्रीज होता है, तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव ठीक कई लोग इस बात से ना सिंक नहीं हो पाते कि सर फिर भी कंप्रेशन में डीवी माइनस क्यों होता है एक बात सुनो किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना है तो उसका एक ही तरीका होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ठीक है किसी भी चीज में अगर आप लोग को चेंज निकालना है उसका एक ही तरीका होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ठीक है अगर आप कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन में फाइनल वैल्यू जो है वो छोटी है और जो इनिशियल वैल्यू है वो बड़ी है आया समझ कंप्रेशन के दौरान जो फाइनल वैल्यू होगी वॉल्यूम की वो छोटी हो जाएगी और जो इनिशियल इनिशियल वैल्यू थी वॉल्यूम की वो बड़ी थी तो भाई जब फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा मतलब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करूंगा ठीक है तो वो तो आंसर माइनस में आएगा ना लेकिन वहीं जब मैं एक्सपेंशन की बात करता हूँ ठीक है चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल जब मैं एक्सपेंशन की बात करूंगा तो इनिशियली वॉल्यूम वॉज लेस एक्सपैंड होने के बाद फाइनली वॉल्यूम बड़ा बन गया जब मुझे चेंज निकालना है वॉल्यूम में तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ठीक है मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करूंगा जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करूंगा तो आंसर मेरा कैसा आएगा पॉजिटिव तो कंप्रेशन में डी वी इज नेगेटिव एक्सपेंशन में डी वी इज पॉजिटिव इज एज सिंपल एज दैट ठीक है ये वाला फंडा समझ में आ गया ये थोड़ा सा क्या है बेसिक अलहदा ज्ञान है जो कि इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं ठीक है जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो चलिए फिर ठीक है इसका आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया था लिख लिया होगा इसको बेहतरीन तरह से तो बस लॉजिक क्या है बेटा इसका इसका लॉजिक क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज में चेंज निकालना होता है तो बस एक काम कर दो फाइनल वैल्यू में से माइनस कर दीजिएगा इनिशियल वैल्यू इट्स एज सिंपल एज दैट कोई मसला कोई परेशानी कोई दुख दर्द पीड़ा क्लियर है पूरा चलो आगे बढ़ता हूं ठीक है अपने पास बेसिक फॉर्मूला होता है भाई साहब तो लेट द गैस अब यहां पे ये बेसिक फॉर्मूला है ठीक है मैंने कहा भी था भाई साहब कि इसको आप दिल में एकदम बसा के रखिएगा क्योंकि इसी सारे इसी फॉर्मूले के अंदर हम बाकी सारी चीजें जो है ना वो पुट करने वाले अब जरा गौर करिए लेट द गैस बी सडनली अगर हमने गैस को बहुत जल्दी कंप्रेस कर दिया दैस इज कम्प्रेसनली तो एक बात तो श्योर है कि कंप्रेशन में चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव ठीक कंप्रेशन बहुत सडनली होगा ना देन नो हीट इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड यहां पे कोई भी हीट जो है ना वो आउटसाइड से सप्लाई नहीं हो पाएगी इसका मतलब यहां पे कोई भी सर, कोई भी सपोर्ट नहीं मिल सकता सिस्टम को फ्रॉम द सराउंडिंग ठीक है तो यहाँ पे क्या होने वाला है डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो नो चेंज इन हीट बट द टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑन अकाउंट ऑफ कंप्रेशन अगर आप कंप्रेशन करवा रहे हो उसका मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस अगर आप कंप्रेशन करवा रहे हो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस और अगर आप गैस पे वर्क करोगे मतलब इसका मतलब आप एक तरह से गैस को ना एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा तो यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस ऑन अकाउंट ऑफ कंप्रेशन तो डी टी मतलब डेल्टा टी कैसा हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव बट यहां पे लॉजिक क्या होता है बेटा कि एक बात तो पहले तौर तो पे क्लियर हो चुकी थी कि कंप्रेशन जो था वो बहुत ही सडन था तो कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाया हीट का फ्रॉम द सराउंडिंग नो एक्सचेंज ऑफ हीट नो एक्सचेंज ऑफ हीट वॉज पॉसिबल फ्रॉम द सराउंडिंग नो एक्सचेंज ऑफ हीट वॉज पॉसिबल फ्रॉम द सराउंडिंग नो एक्सचेंज ऑफ हीट वॉज पॉसिबल फ्रॉम द सराउंडिंग अब ज़रा एक बात पर गौर करिएगा अगर सराउंडिंग से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब क्या डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो और सब लोग जानते हैं अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ये सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी ज़ीरो तो इसका मतलब क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज जीरो जीरो होगा? व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड सडनली आया समझ तो जब गैस को आप सडनली कंप्रेस कर दोगे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस बिकम जीरो ये रहा इसका पूरा लॉजिक तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा जल्दी थ्री टू वन रेडी गो एंड डन हो गया इसका स्क्रीन चलिए ठीक है बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ा जाए अगला कंडीशन देख लेते हैं ठीक है अगले कंडीशन में है लेट द गैस बी हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपैंड एट सच अ रेट दैट राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द गैसेज अब जरा इस बात को ना ध्यान देना तरीके से लेट द गैस बी हीटेड अगर आप गैस को हीट करोगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन क्या है द गैस इज बेसिकली अलाउड टू एक्सपैंड द गैस इज बेसिकली अलाउड टू एक्सपैंड एट सच अ रेट अब उस रेट की तो बात करेंगे पहले बाद में बट जरा एक बार पर गौर करना अगर एक्सपेंशन की आप बात करोगे ठीक है या पहले आप जरा एक काम करो कंप्रेशन से होते हुए गुजरो फिर अपन चलते हैं एक्सपेंशन पे अगर आप कंप्रेशन की बात करोगे इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वर्क इज डन ऑन द गैस टू कंप्रेस इट ठीक है अगर आप कंप्रेशन की बात करोगे तो गैस पे आपने वर्क करा इन ऑर्डर टू कंप्रेस इट जब आप उसे कंप्रेस करोगे तो उसका हीट जो है ना उसका जो टेम्परेचर का राइज है वो बढ़ जाएगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा पॉजिटिव चेंज इन टेम्परेचर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा लेकिन अगर आप बात करते हो एक्सपेंशन की उल्टा जा रहे हैं उल्टा ठीक है अब जा रहे हैं इस दफ़ा उल्टा अगर कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा तो डेल्टा टी कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज़ेस। आपको ये वाली बात समझ में आ गई इस वाले केस में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है तो कंप्रेशन में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है डेल्टा टी पॉजिटिव और एक्सपेंशन में टेम्परेचर जो है वो घट जाता है डेल्टा टी बिकम्स नेगेटिव इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है तो भाई साहब हुआ क्या लेट द गैस बी हीटेड तो पहले तो आपने टेम्परेचर को बढ़ाया पहले तो आपने टेम्परेचर को बढ़ाया एंड इट इज अलाउड टू एक्सपैंड ऑल्सो मतलब यहाँ पे क्या पहले हीट करके टेम्परेचर को बढ़ाया एंड नाउ इट इज अलाउड टू एक्सपैंड ऑल्सो अगर एक्सपैंड होगा गैस तो एक्सपेंशन में क्या होता है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है एक्सपेंशन में क्या होता है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है अब इसका रेट ऐसा है सो दैट राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू फॉल इन टेम्परेचर इसका मतलब ये हीटिंग करने की वजह से जितना टेम्परेचर में राइज आया उतना ही लॉस हो गया टेम्परेचर में एक्सपेंशन के कारण क्या बोला है बेटा द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल हीट सप्लाई करने की वजह से जितना टेम्परेचर में राइज आया वो एग्जैक्टली exactly इक्वल है टू द फॉल इन टेम्परेचर और ये फॉल क्यों हुआ टेम्परेचर में बिकॉज एक्सपेंशन में तो फॉल ही होता है ठीक है तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर में राइज हुआ ड्यू टू हीट सप्लाइड उतना ही टेम्परेचर में लॉस हो गया उतना ही टेम्परेचर गिर गया ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ हीट अगर ऐसा होगा तो देर नेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज जीरो भाई जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ही टेम्परेचर कम हो गया सो देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज जीरो फिर मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला और मैं बार बार कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला फार्मूला जो भी कंडीशंस आपने यहाँ पे बना के रखी है ना उन सारी कंडीशंस का जो कंक्लूजन है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है कंडीशन क्या थी कि भाई साहब हीट करेंगे फिर एक्सपैंड करने के लिए अलाउ कर देंगे गैस को ठीक है हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सपैंड करने के लिए अलाउ करोगे गैस को टेम्परेचर कम हो जाएगा अब भाई यहाँ पे कंडीशन क्या है जितना ज्यादा रेट ऑफ हीटिंग था मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा उतना ही टेम्परेचर घट भी गया एक्सपेंशन की वजह से ठीक है हीट सप्लाई करने की वजह से जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर घट भी जाएगा गैस को एक्सपेंशन करने से ठीक है गैस एक्सपेंड होगी टेंपरेचर टेम्परेचर कम हो जाता है तो यहां पे दोनों का रेट अगर बराबर है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी जीरो तो उस कंडीशन का जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि डेल्टा टी इक्वल टू क्या है जीरो उस कंडीशन का जो कंक्लूजन निकला ये बना रहे हैं अपन छोटे छोटे दिल ठीक है तो यहां पे जो कंडीशन का जो कंक्लूजन निकला वो निकला कि टेम्परेचर का चेंज जीरो हो चुका है डेल्टा टी को जीरो यहां भरेंगे ना भाई साहब तो इंपॉर्टेंट फॉर्मला ये रहा ये वाला फॉर्मूला कैसा आया अपन जानते हैं तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना फुट कर अपन ने जीरो भाई किसी भी चीज को डिवाइड करोगे जीरो से आंसर बिकम्स इंफुलिटी ऐसा कुछ कि नहीं किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे जीरो से तो आंसर बिकम्स इन्फिनिटी तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है वो अपने पास क्या हो जाएगी इन्फिटी के बराबर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज़ इनफाइनाइट है ना सारी चीज़ें जो लाइंस के बीच में से चीज़ें अपन ने पकड़ के समझाई हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग के समक्ष तो जल्दी आप इसका स्क्रीन लेंगे फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं ठीक है जल्दी आप इसका स्क्रीन लेंगे बेटा थ्री टू वन रेडी गो एंड डन हो गया चलें आगे बढ़ें ओके बहुत बढ़िया बहुत शानदार अगला केस ज़रा गौर फरमाइएगा इफ रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द गैस व स्लो अगर गैस का जो एक्सपेंशन का रेट है वो स्लो है कम एक्सपेंशन हो रहा है ठीक है इफ द रेट ऑफ एक्सपेंशन अगर गैस के एक्सपेंशन का जो रेट है अगर वो स्लो है तो भाई जब गैस एक्सपेंड होती है ना तो फिर टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द गैस द फॉल इन टेम्परेचर

रेट ऑफ फॉल कम है और यहाँ पे रेट ऑफ गेन ज्यादा है किसका फॉल टेम्परेचर का किसका गेन टेम्परेचर का तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉल कम था और रेट ऑफ गेन जो है टेम्परेचर में वो ज्यादा है सो देयर विल बी सम नेट राइज इन टेम्परेचर ऑब्वियसली जब राइज इन टेम्परेचर ज़्यादा है फॉल इन टेम्परेचर कम है प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है तो यहाँ पे आपके पास जो नेट कैपिटल होगा वो बढ़ जाएगा ना तो वहीं अपने पास जो नेट टेम्परेचर होगा टेम्परेचर में आने वाला जो राइज होगा वो कुछ नेट राइज आपको मिल जाएगा ठीक है आया समझ के नहीं आया अगर नेट राइज आपको मिल जाएगा इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर का राइज है मतलब टेम्परेचर बढ़ चुका है और अगर टेम्परेचर बढ़ चुका है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी अब सेम चीज सेम कहानी बस यहां पे स्पेशल फॉर्मूला ये वाला ठीक है अब देखो एक बात सुनो अगर डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव हीट तो वैसे भी आपने सप्लाई करी थी तो डेल्टा क्यू तो बचपन से पॉजिटिव रहेगा सिस्टम को अगर आप हीट दोगे डेल्टा क्यू पॉजिटिव सिस्टम से अगर आप हीट बाहर निकाल लोगे एक्सट्रैक्ट कर लोगे हीट तब जाकर के डेल्टा क्यू निगेटिव होता है लेकिन इस वाले केस में सिस्टम को हीट सप्लाई की जा रही है तो डेल्टा क्यू कैसा रहेगा बेटा पॉजिटिव रहेगा उसके बाद एम तो बचपन से पॉजिटिव है मास है अब यहां पर सी का पॉजिटिव होना या सी का निगेटिव होना ये डेल्टा टी के साइन कन्वेंशन पर बेस्ड होगा ठीक है जितने ज्यादा राइज हुआ टेम्परेचर में उससे कम फॉल हुआ टेम्परेचर में तो कुल मिलाकर जब देखा जाएगा ना तो राइज ज्यादा था फॉल कम था तो जब राइज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ चुका होगा टेंपरेचर बढ़ गया मतलब डेल्टा टी इज पॉजिटिव अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो सी की वैल्यू भी कैसी आ जाएगी पॉजिटिव इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है आगे समझ अब जरा एक बार इसका स्क्रीन लो जल्दी से जल्दी से स्क्रीन शॉट लो इसका थ्री टू वन रेडी गो एंड डन हो चुका है चलो आगे बढ़ेंगे ये वाला केस अपना समाप्त अब फोर्थ वाले केस पे आते हैं इफ़ द गैस वर टू एक्सपैंड वेरी फास्ट अगर गैस का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही तेज होगा फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यू टू एक्सपेंशन विल बी ग्रेटर ऑब्वियसली भाई ये बात तो लाजमी है ना अगर गैस का एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो रहा है तो भाई एक्सपेंशन से क्या होता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर एक्सपेंशन से क्या होता है टेम्परेचर गिर जाता है ठीक है तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज हाई रेट ऑफ फॉल ऑफ टेंपरेचर इज हाई मतलब टेम्परेचर बहुत जल्दी से गिरना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है वुड बी ग्रेटर देन राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग मैंने पहले भी कहा था अगर कभी टेंपरेचर बढ़ रहा है उसके पीछे का रीजन जो है ना वो हीट है ठीक है सिस्टम को हीट दे दी तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया तो भाई जब एक्सपेंशन तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगा तो फिर टेम्परेचर में चेंज टेम्परेचर में डिक्रीज जो है ना वो ज्यादा आने वाला है ठीक है तो भाई जब फॉल ज्यादा हो गया और गेन जो था वो कम हुआ जस्ट उल्टा वाला केस पहले वाले केस में क्या था गेन ज्यादा था फॉल कम था इस वाले में फॉल ज्यादा है और गेन कम है जब टेम्परेचर में फॉल ज्यादा है गेन कम है तो भाई टेम्परेचर डिक्रीज हो गया जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर चेंज इन टेम्परेचर विल बी निगेटिव टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाएगा देखो देयर विल बी सेम नेट फॉल इन द टेम्परेचर ठीक है तो फिर टेम्परेचर डिक्रीजेस देफो टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा डेल्टा डी कैसा हो जाएगा निगेटिव अब भाई वही वाला बेसिक फॉर्मूला तुम्हारा ठीक है जो कि हमेशा काम आना है तो मैंने क्या कहा था भाई साहब कि अब देखो डेल्टा क्यू एम दोनों पॉजिटिव थे अब डेल्टा टी पर आपको फोकस करना है ठीक है जब यहाँ पे टेम्परेचर गिर गया है डेल्टा टी बिकम्स नेगेटिव अगर डेल्टा टी नेगेटिव हो गया तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव तो हैंस वी कंक्लूड दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कैन हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम ज़ीरो टू इंफिनिटी इट कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कैन इवन बी नेगेटिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस शाल डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ हीटिंग ऑफ द गैस ठीक है किस मोड से आपने हीटिंग करा गैस को उस पर बहुत हद तक डिपेंड दिपे, डिपेंड करती है इस सी की वैल्यू कोई दिक्कत तो नहीं पक्का हीटिंग आपने बहुत फास्ट तो नहीं कर दी एक्सपेंशन बहुत जल्दी तो नहीं आ गया एक्सपेंशन बहुत धीरे तो नहीं आ रहा है इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है मतलब मोड ऑफ़ हीटिंग पर डिपेंड करी तुम्हारी सी की वैल्यू इज ए सिंपल एज दैट जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं चलिए ठीक है फिर बहुत शानदार तो इसको आप लोगों ने बेहतरीन तरह से नोट कर लिया होगा है ना अब ज़रा कहानी में आगे बढ़ते हैं भाई साहब तो टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस ठीक है कौन से दो ऐसे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होते हैं गैस के तो उसके दो ही होते हैं बेटा सी और सी ठीक है पहला वाला होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जिसका तुम्हें था इंतज़ार सीपी और सीवी ठीक है ये पढ़ने का मौका पा चुका है तो इसके लिए पूरी कहानी को ना पूरा बिठाना पड़ता है बिकॉज हर एक चीज जो इसके पहले पढ़ के रखी है वो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट थी वो नहीं पल्ले पढ़ पड़ेगा तो ये सब पल्ले पढ़े नहीं पड़ेगा ठीक है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है बेटा ये छोटा वाला सी है छोटा वाला सी है ठीक है तो ये छोटा वाला सी सब्सक्रिप्ट में भी ये छोटा वाला सी सब्सक्रिप्ट में पी तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर तो सीपी हो गया और ये सीवी हो गया आया समझ में जरा इसका स्क्रीनशॉट लो फट से थ्री टू वन रेडी गो डन तो ये दो तरह के प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होते हैं ठीक है अब जरा इसके डेफिनेशन पे आ जाया जाए उसके बाद तो कहानी आराम से खत्म हो सकती है तो सी का मतलब क्या होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है ठीक है ये सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो यहां पे क्या है टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ गैस

डेल्टा टी तुमने बोला हाँ सर ये तो याद है ठीक है अब मैंने क्या बोला ये जो स्पेसिफिक हीट है ना ये होती है दो तरह की सी और सी ठीक है सी होता है और क्या होता है बेटा सी होता है अब जरा गौर करो अगर आप बात कर रहे हो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर आप बात करना चाह रहे हो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस की जगह पे सी वी और यहां पे क्या आ जाएगा डेल्टा टी यहां तक तो कोई मसला यहां तक तो कोई परेशानी तो नहीं ठीक है अब जरा गौर करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन नीचे आ जाएगा एम टाइम्स डेल्टा टी डेल्टा क्यू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा एम टाइम्स डेल्टा टी इट्स एज सिंपल एज दैट अब अगर तुम यहीं से इसकी यूनिट निकालने के लिए तुम आगे बढ़ोगे तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट इज एक बात सुनो अगर मैं कैलोरीज में नहीं जाऊं अगर मैं ऐसे मान लो अगर यहाँ पे एक बार कैलोरीज के टर्म्स में है और एक बार क्या है जूल के टर्म्स में ठीक है एक बार कैलोरीज के टर्म्स में, में? में एक बार किस में है? जूल के टर्म्स में तो जरा गौर करना अगर यहाँ पे कैलोरीज में जाऊंगा मैं तो कैलोरीज नीचे मास तो पर ग्राम और यहाँ पे कैलविन तो पर कैलविन या पर डिग्री सेंटीग्रेड वॉट एवर यू फील लाइक तो ये बेसिक फार्मूला पर बेस्ड ही है ना बेसिक फार्मूला पर बेस्ड ही इसकी यूनिट है ठीक है ये रहा अपने पास पूरी कहानी फॉर सी वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक है हो गया इसका स्क्रीनशॉट अब जरा गौर करना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की जब बात करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ वन ग्राम टू रेज द टेंपरेचर ऑफ भाई ये ग्राम्स में क्यों आ रहा है के में क्यों नहीं आ रहा बाय बाई डेफिनेशन ये ठीक है टू रेज द टेंपरेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ गैस थ्रू वन डिग्री सेंटीग्रेड या फिर वन कैलविन वेन प्रेशर ऑफ द गैस इज कप्ट कॉन्स्टेंट ठीक है ये कंडीशन कौन सी है बेटा कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली है वेन प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कॉन्स्टेंट ठीक है ऑब्वियसली सेम होगी यूनिट देख लो कट कॉपी पेस्ट आया समझ के नहीं चलो एक काम करो पूरे डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी ठीक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो चुका है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो चुका है थ्री टू वन रेडी गो डन हो गया हो गया हो गया चलो आगे बढ़े आगे बढ़े अब जरा ध्यान देंगे तो इंस्टेड ऑफ कंसिडर मैंने कहा भी था बेटा कि यहाँ पे ध्यान देना कि आपसे एक ग्राम की बात हो रही है लेकिन अब इस पर गैस अगर हम कंसिडर करने लगे वन ग्राम मोल ऑफ द गैस ठीक है अंतर है बेटा अंतर है पहले वाले में ग्राम था इस वाले में क्या बेटा ग्राम मोल ऑफ द गैस देन द स्पेसिफिक आर कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस आ गया समझ अगर एक ग्राम की बात करोगे तो सिर्फ स्पेसिफिक हीट है अगर एक ग्राम मोल की बात करोगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा ठीक है चलो दस मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये डेफिनेशन है ये ध्यान दीजिएगा ये एक बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में डेफिनेशन ठीक है तो क्या बोला जा रहा है यहां कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम मोल यही तो अंतर आया वन ग्राम मोल ऑफ द गैस थ्रू वन डिग्री सेंटीग्रेड या फिर वन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट जब गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करवा करके रखा हुआ है तब व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट तो अपने पास ही हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम ठीक है ओके इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल सी भाई यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने छोटा वाला सी जो होता है ना अगर ये है अपने पास सी बी तो ये अपने पास हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेकिन अगर मेरे पास मान ले बड़ा वाला सी सब्सक्रिप्ट में वी रहेगा तो अपने पास ये क्या हो जाएगा बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट अंतर है भाई अंतर है ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑब्वियसली सबस्क्रिप्ट में लगा है वी इसका मतलब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है मोलर स्पेसिफिक हीट एट ऑब्वियसली कांस्टेंट वॉल्यूम है ठीक है ओके डन 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 ठीक है ओके यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी वी कैपिटल का सी एंड इज मेजर्ड इन कैलरीज पर मोल बेटा वो जो जगह थी ना ग्राम्स वाली वो जगह कौन खा गया मोल खा गया ठीक है ओके okay. उसके बाद एम इज द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस अगर कैपिटल एम को हम मान लेते हैं कैपिटल <coughs> एम जो है ना अगर कैपिटल एम को हम मान लेते हैं एज द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस तो भाई सी वी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कैपिटल सी वी इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट एज सिंपल एज दैट जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सेम फॉर्मूला सीपी वाले टर्म उसमें भी आने वाला है हो गया थ्री टू वन रेडी गो डन चलो क्लियर 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 आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े अब आ जाओ बेटा सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम मोल ऑफ द गैस वन ग्राम मोल इस बात का खास ख्याल रखना वन ग्राम मोल ऑफ द गैस थ्रू सेम रेंज है डिग्री सेंटीग्रेड या फिर प्रेशर ऑफ द गैस इज पे सबसे प्यारी कंडीशन क्या है कि भाई साहब प्रेशर को जो है ना वो कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है अगर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट तो यहां पर ये जो स्पेसिफिक हीट होती इसको है इसको अपन बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ठीक है और ऑब्वियसली अगर छोटा अगर ये सी सब्सक्रिप्ट पी है छोटा वाला सी है ठीक है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है लेकिन अगर अपने पास कैपिटल सी और सबस्क्रिप्ट में पी है तो यह हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट यह अपने पास क्या हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट यह हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यह हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट्स एज सिंपल एज दैट कोई मसला कोई दुख दर्द परेशानी पीड़ा तो नहीं ठीक है तो ये रहेगा फॉर्मूला बेटा ये रहेगा फॉर्मूला है ये छोटा वाला सी है तो मोलर स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट हीट एट एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर ये सिर्फ pressure, जहां पे एम क्या होता है मॉलिकुलर मास होता है जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा उसके बाद सीपी और सीवी के बीच में एक छोटा सा रिलेशन जो है वो बताता हूं हो गया थ्री टू वन रेडी गो एंड डन हो गया चलो बहुत बढ़िया battery

किलो मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आया समझ के नहीं आया आया समझ के नहीं आया तो जब ये सीपी अपॉन सीवी का रेशियो है जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट्स की बात चल रही है जब इसका रेशियो अपन ने करा तो ये सीपी को मैंने ऐसे खोल दिया ऐसे ठीक है और ये वाला जो सीबी था उसको अपन ने ऐसे खोल दिया सीबी खुल जाएगा एम इन टू सी बी के अंदर एम इन टू सी मास कट गया तो क्या बचेगा सी पी वाला फॉर्मुला भी है भाई इसको थर्मोडाइनमस के अंदर तो बहुत शानदार तरह से बहुत दबा के इसको यूज किया जाता है ठीक <coughs> है लो भैया इसका स्क्रीन शॉट ठीक है और द वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑन द अटोमिसिटी ऑफ द गैस इट इज एज सिंपल एज दैट समझ ला बताओ क्लियर हो गया आगे बढ़े अब तो ख़त्म पे ही है चलो ठीक है बहुत बढ़िया बहुत शानदार तो गामा इज इक्वल्स टू आ जाएगा सीपी अपॉन सीवी तो कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी एंड सीवी के अंदर ये था आपके पास पूरा कार्यक्रम हर चीज आपको सुपर एक्सप्लेन कर दी गई है बस क्या बनता है अब बस जो कुछ पढ़ा है ना उसको कॉपी में लिखी लिया होगा ऑब्वियसली उसको रिवाइज बस कर देना ठीक है ऐसा नहीं कि बस वो कॉपी में ही रह जाए दिमाग तक ना कुछ पहुंचे तो उसको रिवाइज कर लेना रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना रिवाइज नहीं करोगे तो फिर उसके बाद होता क्या ना कि जो आपने ड्यूरेशन लगाया लेक्चर के दौरान वो फिर आपको फ्रूटफुल नहीं लगेगा आया समझ में तो रिवाइज कर लेना और सारे फॉर्मूले की शीट बनाना स्टार्ट कर देना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मले आ चुके हैं और उसमें से कुछ फॉर्मले ऐसे हैं जो कि आपको यूज करने पड़ेंगे थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर ठीक है तो चलिए क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रिट जो प्रोवाइड करता है आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेज विथ एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज उसके बाद स्पोकन इंग्लिश सी यू टी एन टी एस सी ओलंपियाड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेज विथ एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मैग्नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं थैंक यू सो मच